हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। इस प्लांट में पर्पल कलर के जो फ्लावर आते हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके गार्डन के किसी भी कोने में रखा है पौधा, किसी भी जगह पे रखा है, तो उस जगह को ये खूबसूरती में बदल देता है। आप कहीं भी रख दो, इस पे नज़र सबकी जाती है, क्योंकि इसमें जो फ्लावर आते हैं इतने सुंदर देखने में लगते हैं। एक साथ आते हैं, पूरा बंच में आते हैं, और इस फूलों का जो लाइट पर्पल कलर है बहुत प्यारा लगता है। और साथ ही साथ जब इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं सिल्वर ग्रीन कलर की, ये भी बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगती हैं। बात करी जाए इस प्लांट की, तो इसकी जो फ्लावरिंग क्वांटिटी है इसके आधार पर ही ये जरूर कहूँगी कि आप अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर रखें। इसमें बहुत सुंदर से फ्लावर आते हैं और बहुत सारे आते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस प्लांट को तो आप ज़रूर लगाएं। तो इस पौधे का नाम है वो टेक्सास सेज है, और इसे ल्यूकोफाइलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा डेजर्ट का पौधा है, मतलब रेगिस्तानी जो जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उगता है। मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता होती है इसके रूट्स के अंदर जो है। जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ पर बारिश के पड़ने के बाद जो तेज़ी से जो सैंड होती है वो कटाव हो जाता है सैंड का, तो साथ ही साथ वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो सैंड उड़ जाते हैं इधर से उधर, दूसरी जगह उड़ जाती है। लेकिन ये जो पौधा होता है इसके अंदर मिट्टी को या सैंड को बांधे रखने की क्षमता होती है, इस वजह से डेजर्ट के लिए बहुत अच्छा पौधा माना जाता है। तो इसलिए वहाँ पर उगता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डेजर्ट में उगने वाला प्लांट है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कम केयर वाला प्लांट होता है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि इसको ना बिगिनर्स भी लगा सकते हैं, जो गार्डनिंग जिन्होंने शुरू की है नई नई, वो भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो आज इस प्लांट की सारी केयर बताने वाली हूँ, इसको आप कैसे लगाएं, कैसे केयर करें, जिससे आपके गार्डन में भी खूबसूरती बढ़ा दे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये परमानेंट प्लांट होता है, और इसमें मार्च से लेकर पूरा ये नवंबर तक फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। लेकिन ये इसके लिए ना बारिश का टाइम सबसे बेस्ट होता है। जैसे ही इसमें बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, बिल्कुल ये फ्लावरिंग इसमें भर जाती है। पूरा देखिए, पूरा जब भी फ्लावरिंग होती है इस तरह से पूरा भरा होता है, जैसे ना पूरा जैसे बुके टाइप का बन जाता, बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे होती रहती है, थोड़ा थोड़ा होती रहती है, इक्का दुक्का हमेशा आते रहते हैं। लेकिन बारिश के टाइम जो होता है ना, जून जुलाई से ये सितंबर जब तक बारिश होगी, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक साथ पूरा ऐसे खिलता है, फिर सारी फूल झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद फिर से बड्स बनती हैं और फिर से फूल आते हैं। तो इस तरह से इसमें फ्लावरिंग का रोटेशन चलता रहता है। तो इसको बारिश में ज़रूर रखें, बारिश के पानी में ज़रूर रखें, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये प्लांट आपको भी नर्सरी में मिल जाएगा, अगर आप लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप प्लांट लाए हैं तो इसकी मिट्टी कैसे बनाएं, तो इसके लिए आप एक एक भाग मिट्टी ले लें, पूरा एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा आप इसका सैंड ले लें जो रिवर सैंड होती है, और एक हिस्सा ही कंपोस्ट ले लें, वर्मिंग कंपोस्ट, काउडंग कोई भी ले लें, लेकिन कंपोस्ट पुरानी होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए, और उसमें ना थोड़ा सा आप नीम खली जरूर मिला दें और इस तरह से लगा दें तो बहुत अच्छी इसके लिए, मतलब वेल्ड्रन सॉइल मीडिया बनाएं इसके लिए। सैंड की मात्रा आप ज़्यादा भी थोड़ा सा कर सकते हो, तो इस तरह से बनाएं और लगा दें। पॉट की बात करूं तो पॉट इसको बहुत ज़्यादा, अभी स्टार्टिंग में छोटा प्लांट है तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं होती है। मैंने तो छोटे में ही लगा रखा, जो प्लास्टिक का पॉट होता है अभी उसी में चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। तो स्टार्टिंग में छोटे में लगाएं, उसके बाद जब लगता है कि वो उसके लिए पॉट छोटा पड़ रहा है तब उसको पॉट का एक नंबर बढ़ा के लगाएं, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी से आप इसको ज़मीन में लगा सकते हो, आप इसको पॉट में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो स्टार्टिंग में छोटा पॉट दे दें, 8 इंच का 10 इंच का तो काफ़ी होता है। अगर बड़ा प्लांट है तो 10 इंच 12 इंच का लगा दें, उसमें काफ़ी अच्छा चलेगा। मिट्टी के में लगाएं ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप प्लास्टिक के में भी लगा सकते हैं। सेरेमिक में मैं कहूँगी ना लगाएं, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा हवा चाहिए होती है, अगर सेरेमिक में ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि उसमें मिट्टी गीली रहती है, पानी सूखेगा नहीं, तो इसमें रूट रोटिंग की प्रॉब्लम जल्दी होती है, क्योंकि डेजर्ट वाला प्लांट है तो इसको ज़्यादा गीला पसंद नहीं है। अब बात करते हैं इसकी धूप की, तो ये सन लविंग प्लांट होता है।
क्योंकि डेजर्ट में उगने वाला है, वहाँ तो धूप होती ही होती है, तो फुल डे की धूप में रखें। मेरा तो छत पर रहता है जहाँ पर पूरा दिन धूप रहती है। अगर पूरा दिन की धूप नहीं है तो कम से कम 6-7 घंटे की धूप तो लगनी ही चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसको धूप पसंद है। छाया में रखोगे, जैसे कई लोग होते हैं ना, इसको अंदर बाहर शिफ्ट करते रहते हैं, तो कि शेडी एरिया में रख दो तो उसमें फूल नहीं आएंगे और उसमें नमी रहेगी तो प्लांट ख़राब होने का डर भी रहता है। तो जहाँ भी रखें आप, कम से कम 6-7 घंटे की धूप में रखें तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। और एक चीज़ मैंने इसमें देखी है, बहुत अच्छा पॉलिनेटर भी है, इसमें बहुत सारी हनी भी आती हैं। तो अगर आपके जैसे वेजिटेबल्स लगाते हो या अदर प्लांट लगे हुए हैं जिसमें फल नहीं आ रहे हैं, फ्रूट्स वाले जो प्लांट होते हैं, तो ये उस जगह लगा है तो आपके जो फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं उनमें भी फल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें देखा हनी भी आती हैं और इसका पराग लेके जाती हैं, तो इधर उधर जब बैठते हैं हनी भी आती हैं, पॉलिनेशन होता है, तभी आपके उसमें फ्लावरिंग नेचुरल तरह से पॉलिनेट करती हैं, तो फिर वो बहुत अच्छी फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, तो दूसरे प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। और इसकी जो पत्तियां हैं इसमें बहुत सुंदर देखने में लगती हैं, देखिए इस तरह से ग्रीन दिखती हैं, सिल्वर ग्रीन। जब फूल नहीं होते तो खाली पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये अगर ज़मीन पर लगा है तो थोड़ा इसकी हाइट भी बढ़ जाती है, तो आप इसको जिस शेप में रखोगे उस शेप में हो जाता है, थोड़ा बड़ा करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगी लेकिन ऐसे ही रखूँगी, और ये बॉन्जाई लुक में भी आप इसको रख सकते हो, तो जिस तरह से आप इसको रख सकते हो वैसे रख सकते हो। इसकी प्रूनिंग करते रहें, फ्लावरिंग हो जाएगी उसके बाद, तो इसका शेप ले लेता है, आप इसको जिस शेप में रखो लग जाता है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँगी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे मैं तो ज़्यादातर काउडंग देती हूँ या बर्मी कंपोस्ट देती हूँ, उससे क्या होता है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है ना तो उसमें आपकी कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होती, एक बैलेंस रहता है उसमें। तो जैसे NPK इसको चाहिए तो बराबर मात्रा में चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो फिर वो नुकसान करती है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, पोटेशियम ज़्यादा हो गया या फास्फोरस ज़्यादा हो गया तो वो फिर ख़राब करती है पौधे। इन तीनों चीज़ों को ना NPK का पूरा इसको बैलेंस चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक इसलिए मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक दोगे तो वो ठीक रहता है। तो जैसे कि आपने एक बार मार्च में दे दिया, फिर जून जुलाई में दे दीजिए फर्टिलाइज़र, फिर सितंबर में दे दीजिए, तो 3-4 महीने में एक बार थोड़ा सा दे देंगे, एक एक दो दो चम्मच, तो इसके लिए काफ़ी हो जाता है। और देखिए इस तरह से फूल इसमें गिर जाते हैं, जब खिलते हैं ना तो बहुत सुंदर देखने में लगते हैं, नीचे पूरे गिर जाते हैं, पर्पल कलर के दिखते हैं। तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा ना दें, एक एक चम्मच दो दो चम्मच बस काफ़ी है, 3-4 महीने में दे दें काफ़ी होता है। तो इसमें ना ज़्यादा देंगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम कई बार आती है ना, पीली पत्ती पड़ जाती है, अगर नाइट्रोजन भी ज़्यादा हो गया या फास्फोरस ज़्यादा हो गया, पोटेशियम ज़्यादा हो गया, तो कई बार पीली पत्ती होती है, प्लांट भी ख़राब होने का डर रहता है। न्यूट्रिएंट्स का इसमें बराबर मात्रा होनी चाहिए, उससे इसका बैलेंस बना रहता है, इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें ज़्यादा अच्छा रहता है। या लिक्विड दे रहे हैं तो जैसे कि बनाना पील का लिक्विड दे सकते हो, अनियन पील दे सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा करके दें, एक साथ ना दें। फूलों के साथ साथ इसकी जो पत्तियों का कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर देखने में लगता है। मुझे तो इसकी जो लीफ है उसी में, मतलब ऊपर से एक सिल्वर कोटेड है, उस तरह से सिल्वर ग्रीन दिखती हैं, और सारा जब खिलता है इस तरह से, अब जो फूल खिल चुके हैं थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो तो उसको निकालते रहें। और प्रोपोगेशन की बात करूं तो इसमें कटिंग से लग जाता है, इसकी जब कटिंग आप करते हो तो जैसे बारिश का टाइम है इस समय इसकी कटिंग लगा दीजिए, लग जाता है, तो इस तरह से आप प्रोपोगेट भी इसको कर सकते हो। और इसको मैं कहूँगी ज़रूर लगाएं, बहुत देखने में सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से सीधा गया है स्टेम, जब प्लांट लाते हैं तो चेक कर लें उसकी स्टेम सीधी हो, तो आप उसको फिर अपने शेप में दे सकते हो, जिस तरह से भी देना चाहो तो उस तरह से आप इसको रख सकते हो। तो आपको ये पौधा अभी नर्सरी में मिल जाएगा, इस समय नर्सरी में आया हुआ मिल जाएगा। तो रेट की बात करूँ तो आपको ये 150 से 200, 250, जिस तरह से प्लांट होगा उसी हिसाब से मिलता है। छोटा है तो थोड़ा 150-200 तक में मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो कॉस्टली भी मिलता है कई बार। तो अगर आपको मिल जाए तो आप इसको लगा सकते हैं इस समय, और बहुत कम केयर वाला वैसे प्लांट है, और लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा रिच लुक देता है, खूबसूरती से बहुत छोटे छोटे फ्लावर है लेकिन बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो आप लाके ज़रूर लगाएं अगर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से सूखे फूल होते हैं उसको हटाते रहा करें, जिससे कि उसमें फंगस लगने का डर ना रहे। वाटर की बात करूं तो पानी चेक करके दें, मिट्टी गीली है तो ना दें, जब तक उसमें मिट्टी सूखे ना तब तक ना दें। हल्का सा मॉइस्चर इसको पसंद है, लेकिन इसमें रूट रोटिंग जल्दी हो जाती है, अगर ज़्यादा पानी गीला रहेगा, मिट्टी सौगी रहेगी तो इसमें रूट रोटिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो पानी को चेक करके दें, जब मिट्टी थोड़ा सा नमी
रहे, लेकिन पानी मिट्टी को चेक करके पानी दें, जब पानी सूख जाए तभी पानी दें, अदरवाइज़ उसमें फिर रूट रोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा इसको सोगी रहेगा मिट्टी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह से ध्यान दें। इसके होल चेक करते रहें, बारिश में होल नहीं बंद होनी चाहिए, उससे भी रूट रोटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मेरे छोटे पॉट में बहुत अच्छा चल रहा है, अभी इसको नहीं मैं चेंज करूँगी। जब तक बड़े पॉट की जरूरत ना हो तब तक उसको नहीं चेंज करना चाहिए, इसी में रहने दूंगी, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और पेस्ट अटैक की बात करूँ तो इसमें अभी तक कुछ मैंने ऐसा नहीं देखा, अगर कुछ लगता है तो आप नीम ऑयल के स्प्रे कर सकते हो, उससे वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो टेक्सास सेज के बारे में, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।